हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिसकैलकुलिया या गणित अक्षमता के बारे में बात करेंगे। यह भी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह एक तरह का ऐसा विकार है जो जैविक रूप से पर आधारित है और गणित और अंकगणित से संबंधित सीखने की गहराई को प्रभावित करता है। इसे कई बार लोग इसे गणित डिसलेक्सिया भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे की बुद्धिमत्ता के स्तर और जो शिक्षण विधियां होती हैं वो तो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन उसके क्षमता में दिक्कत होती है और उसे कठिनाई प्रतीत होता है संख्यात्मक प्रतीकों को देखना और जोड़ना घटाना गुणा भाग जैसी क्रियाओं को करने में। डिसकैलकुलिया से जो बच्चा पीड़ित होता है वो संख्याओं और संकेतों से भ्रमित होता है और मानसिक रूप से वह गणित नहीं कर सकता है। वह अमूर्त विचारों के साथ काम नहीं कर सकता, जैसे कि ज्योमेट्री में अमूर्त विचारों के साथ हमें काम करना होता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इस तरह के विचारों से वह काम नहीं कर सकता है। इन्हें असाइनमेंट और होमवर्क पूरा करने में कठिनाई होती है। तो डिसकैलकुलिया को अगर हम परिभाषित करें तो यह इस तरह से परिभाषित होगी कि संख्यात्मक भाषा को संसाधित करने वाला जो तंत्रिका होता है, उसका कनेक्शन जो होता है माइंड में, उसमें शिथिलता होती है। तो जिससे क्या होता है कि संख्यात्मक जानकारी, नंबर की जानकारी को जानना और उसका प्रोसेसिंग करना, प्रसंस्करण करना कठिन होता है ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को। स्कूली छात्रों में डिसकैलकुलिया का विकार जो होता है वो 3% से लेकर 6% तक है और इसमें कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है। लड़के लड़कियां दोनों में इसका वितरण लगभग समान है, लेकिन कहा जाता है कि मैथ्स से ज़्यादा लड़कियां घबराती हैं।